नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर स्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल पैनल में कुछ ऑप्शन को कैसे हाइड करते हैं। तो जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये जो सिस्टम है सिक्योरिटी या ये जो सिस्टम है उसको कैसे हाइड करते हैं, और यहाँ जो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर उसको कैसे हाइड करते हैं, और यहाँ जो पर्सनलाइज है उसको कैसे ऐड करते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले आपने क्या करना है, ये स्टार्ट मेन्यू उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ रन टाइप कीजिए। रन कीजिए और यहाँ आपको टाइप करना है gpedit.msc। यहाँ से ओपन कर लीजिए और ये ग्रुप पॉलिसीज ओपन हो गया विंडोज 7 का। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कंट्रोल पैनल पे क्लिक कीजिए। यहाँ एक हाइड स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स है, उस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से इनेबल्ड पे क्लिक कर दीजिए और ये जो शो है उस पर क्लिक कीजिए। और जिस ऑप्शन को आपको हाइड करना है उस ऑप्शन का नाम दीजिए। तो मुझे पर्सनलाइजेशन हाइड करना है, और था नेटवर्क एंड शेयरिंग और था सिस्टम। चलिए मैं इस तीन को हाइड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ओके प्रेस कीजिए, यहाँ से अप्लाई कीजिए और ओके कर दीजिए। चलिए पहले मैं सिस्टम को ओपन करके दिखाता हूँ। तो वहाँ से हाइड हो जाएगा सिस्टम का ऑप्शन। यहाँ देखिए, यहाँ से जो पहले सिस्टम का ऑप्शन था वो अब हाइड हो चुका है। यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट क्लिक करता हूँ तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर भी हाइड हो चुका है। अब आते हैं पर्सनलाइज की बात। यहाँ पर्सनलाइज भी नहीं खुल रहा है, अनस्पेसिफाइड एरर। तो इसे अब फिर से कैसे ला सकते हैं, तो ये हाइड स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स पे डबल क्लिक फिर से कीजिए और यहाँ से नॉट कॉन्फिगर्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अप्लाई, उसके बाद ओके। फिर से मैं चेक करता हूँ कंट्रोल पैनल सिस्टम एंड सिक्योरिटी। यहाँ देखिए सिस्टम का ऑप्शन आ चुका है और नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर भी आ चुका है, पर्सनलाइज ये भी खुल चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने मेल बॉक्स में हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।